वाले थे तो फैक्टर थ्योरम में ही हम फैक्टर थ्योरम लिखा हुआ है क्या, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, यानी कि पी एक्स क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सर देखते हैं कि पी एक्स क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा है। अब क्या बोला, इफ द डिग्री एन के बराबर वन के इक्वल हो या वन से बड़ा होना चाहिए, ये याद रखना, ये शर्त है, ये कंडीशन है कि डिग्री जो है वो वन से छोटा ना हो, या तो वन से बड़ा हो या वन के बराबर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू भी हो जाए, ये थ्री हो जाए, फोर हो जाए, कोई भी पावर हो जाए, ठीक है, ये वन के इक्वल हो जाए, ये कोई मैटर नहीं करता। एंड ए इज एनी रियल नंबर, और ए क्या है, कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वो हमारा रियल क्या है, ए इट्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अब देखो ए इज एनी रियल नंबर, देन तब एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ, यानी कि कह रहे हैं अगर वो उस पॉलिनोमियल के अंदर आपने उस ए के वैल्यू को पुट किया और उसका वैल्यू जीरो के इक्वल आ गया, तो वो जो फैक्टर बनेगा एक्स में से उसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका एक फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि देखो अब हम इसी एग्जांपल के साथ देखते हैं, अगर हम इन्होंने कहा पी ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ये बोला इफ पी ए इक्वल टू जीरो, तो देखें तो पी एक्स हमारा ए की वैल्यू कितनी, माइनस टू, इट्स इक्वल टू तो एक्स प्लस टू, तो देखो माइनस टू प्लस टू किसकी इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, मतलब अगर हमारा पी ए तो पी माइनस टू जीरो के इक्वल आ गया तो x माइनस माइनस टू क्या होगा, ये एक फैक्टर होगा किसका, ऑफ पी एक्स का, तो जो पी एक्स दिया है इसका ये क्या फैक्टर है, तो आप इसको देख सकते हो कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। वैसे हमारा सिर्फ x प्लस टू सिंगल पावर में है तो डायरेक्टली वो फैक्टर उसका बन रहा है। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, इफ पी देखो पी ए इक्वल टू जीरो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब मैंने क्या कहा कि x माइनस ए जो है वो, चलो दूसरा ले लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, ये एक है। देखो अब इफ पी ए इक्वल टू जीरो, यानी कि जो पी ए का वैल्यू तो जीरो के इक्वल आ जाए, कब, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, तो ये मैंने आज से मैंने कहा कि जो x प्लस, सॉरी ये 4x होगा, x प्लस 2 इज अ फैक्टर, मैं कह रहा हूँ कि x प्लस 2 क्या है, फैक्टर है ऑफ पी एक्स का, इसको लिखो कि क्या है ये, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मैंने कहा कि x प्लस 2 क्या है, फैक्टर है इस पी एक्स का। अगर ये फैक्टर है तो मतलब वो क्यों होना है, अगर ये फैक्टर है तो ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, जीरो के इक्वल आ जाए, तो जीरो के इक्वल आ गया तो फैक्टर है, जीरो के इक्वल नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, मतलब एक्स इक्वल, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो इससे अगर हम ए निकालेंगे तो ए कितना होगा, माइनस टू, अब पी का वैल्यू इसमें पुट करो तो पी माइनस टू इट्स इक्वल टू माइनस टू की पावर टू प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस फोर, तो देखो कितना हो गया, टू टू ज़ा फोर, देखो अब माइनस माइनस था तो टू बार प्लस हो गया, वही फोर टू ज़ा एट और ये प्लस फोर, तो प्लस का और प्लस का दोनों एट माइनस एट, तो कितना आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, मतलब कि ये एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता तो हम क्या कहते थे, एक्स प्लस टू इसका फैक्टर नहीं है, जैसे कि मैं कह दूँ कि एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है, अगर मैं कहूँ एक्स माइनस टू तो मतलब ए के ए कितना हो जाएगा, एट से इक्वल टू टू, और एट से इक्वल टू हम टू चेक करेंगे तो पी टू इट्स इक्वल टू टू की पावर टू प्लस फोर इंटू टू और प्लस फोर, तो देखो टू का पावर फोर प्लस एट प्लस फोर, तो कितना हो रहा है, सिक्सटीन, देखो ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब एक्स माइनस टू इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा पूरा, ये क्लियर, चलो फैक्टर थ्योरम पूरा क्लियर हो गया। अब इस फैक्टर थ्योरम के बेस पर कुछ हमारे क्वेश्चन हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं बुक्स में, वो देखते हैं पहले। देखो पहला है आपके एक्सरसाइज में दिया है, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ये कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये कह रहा है आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि जी एक्स क्या है, फैक्टर है किसका, ऑफ
पी एक्स का, तो सर जी एक्स और पी एक्स क्या है, समझ रखो, वो भी बता रहे हैं कि पी एक्स क्या है, पी एक्स इट्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और जी एक्स इट्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस वन। देखो अब ये कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करें और बताएं कि इसका फैक्टर है ना है। देखो फैक्टर निकालने के दो तरीके, या तो भाई आप क्या करो, पूरा एक्स प्लस वन को लिखो पूरे का पूरा टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को पूरे को डिवाइड करो, एक तरीका तो ये है। तो लेकिन हमारा अब ये इतना तरीका कितना मुश्किल हो जाएगा पूरा डिवाइड करना, लेकिन फैक्टर थ्योरम ने इसको क्या कर दिया, एकदम आसान कर दिया। फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है, आप कह रहे हो ना एक्स प्लस वन फैक्टर है, हाँ अगर एक्स प्लस वन फैक्टर है तो इसका जो वैल्यू है ना ए का वैल्यू वो जीरो के इक्वल आ जाए उसमें रखने पर, तो फैक्टर है, और जीरो के इक्वल नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है, सीधी सी बात है। चलो चेक करते हैं फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके। अब देखो कैसे चेक करना है, देखो अब यहाँ से ए का वैल्यू कितना बनेगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू बनेगा माइनस वन। देखो ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता देते हैं। आप क्या करोगे, जो भी आपको वैल्यू दिया उसको जीरो के इक्वल रखोगे। अब जो वैल्यू एक्स की इक्वल आ गई जैसे माइनस वन, तो यही इसका किसका, यही ए का वैल्यू है। अब देखो तो पी ए हमें क्या लाना है, हमें लाना है पी ए जीरो के इक्वल। अगर पी ए जीरो के इक्वल है तो इसका फैक्टर होगा, पी ए जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो देखो तो पी ए ए कितना है माइनस वन, तो इट्स इक्वल टू तो 2 इंटू माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस वन प्लस वन। अब देखो माइनस वन का होल क्यूब, मैं आपको बताया माइनस वन की पावर अगर ओड है तो वैल्यू कैसी देगा, वो माइनस में देगा, और अगर वैल्यू पॉड है इवन है तो वैल्यू प्लस में देगा। अब देखो माइनस 2 और माइनस वन, तो 2 वन से 2 तो प्लस का 2 और प्लस 1, तो देखो 2 वन से 2 माइनस 2 प्लस वन प्लस टू प्लस वन, टू से टू कटा तो कितना आया, टू आया। तो क्या करना था हमें, यूज़ द फैक्टर थ्योरम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, एक्स प्लस वन माइनस वन, शायद कुछ गलती की हमने क्वेश्चन नोट करने में, हाँ क्वेश्चन नोट करने में गलती हो गई कि यहाँ पे माइनस वन आएगा, ये कितना है माइनस वन आएगा, माइनस वन, और ये जब माइनस वन है तो वन से वन कटा तो यहाँ कितना आ गया, जीरो आ गया। अब देखो जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आप कह दोगे क्या पी एक्स क्या है भाई, फैक्टर है, सॉरी जी एक्स क्या है, जी एक्स फैक्टर है किसका, पी एक्स का। बस यही चीज़ है, प्रूफ करनी थी फैक्टर थ्योरम के, तो कितना आसान हो गया। अब ना तो हम पूरे का पूरा डिवाइड करते, डिवीजन कितना लंबा जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा जाता है वो, हो सकता दो लाइन हो जाए, हो सकता बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाए, वो डिपेंड करता है कि नंबर्स या वैल्यूज़ कैसी वैल्यूज़ दी है। लेकिन ये हमारा इजी मेथड होता है फैक्टर थ्योरम, जो कि इसको इजीली बता देता है कि उसका फैक्टर है या नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन तो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन आप कर दे रहे हो या कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इस तरीके जैसे एएमयू जेएमआई का आप देने लगे, एएमयू जेएमआई दे रहे हो, ये आप जैसे टेंथ के बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें अप्लाई करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाता है, जो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एनसीईआरटी का भाई, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपसे क्या कह रहा है, के का वैल्यू फाइंड करो, कब फाइंड करो, कि जब इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर। ये कह रहा है एक्स माइनस वन क्या है, ये फैक्टर है ऑफ पी एक्स का, ये क्या है, फैक्टर है पी एक्स का, ठीक है, एक्स माइनस वन उसने पहले ही दे दिया कि एक्स माइनस वन क्या है, फैक्टर है पी एक्स का, मतलब कि जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू वन, यानी कि इसका मतलब है कि पी वन जीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये है, ये जो कहना चाह रहा है इसका मतलब कि x माइनस वन फैक्टर है px का, तो इसका मतलब ये है कि p1 इक्वल है किसके, जीरो के। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब देखो p1, तो आप क्या करोगे, 1 का वैल्यू रखो, देखो p1 अब किसके इक्वल दिया है उसने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस के, सॉरी यहाँ पे भी क्या होगा,
वन का स्क्वायर। और हमने क्या कहा कि इसका मतलब क्या है कि पी वन जीरो है तो ये जीरो के इक्वल हो गया, तो वन प्लस वन प्लस के, और ये वन प्लस वन कितना हो गया, टू प्लस के इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू माइनस का के, इट्स इक्वल टू माइनस का टू। यही क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली क्या बोले, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ देता है, जो टेंथ लेवल का गवर्नमेंट जॉब का हो, एएमयू का एंट्रेंस हो, जेएमआई का एंट्रेंस हो, नाइन्थ का या प्लस टू का एंट्रेंस, उसमें इस तरह के माइनर माइनर क्वेश्चन इजीली वो पूछ लेते हैं। अब देखो फैक्टराइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फोर में फैक्टराइज करने के लिए उन्होंने कहा कि फैक्टराइज करना 3x स्क्वायर को प्लस 14x को प्लस 8 को, इसको क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब देखो इसको फैक्टराइज करो। देखो इससे पहले मैं एक छोटा सा आसान इजी क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि फैक्टराइज करने के लिए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, देखो इसमें क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होता है उसको हम स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको बोलते हैं मेथड को। अब इसको किस तरह से मिडिल टर्म में स्प्लिट करना, इस मेथड में स्प्लिट करना है कि इसके ऐसे फैक्टर करो कि जो यहाँ पर साइन दिया प्लस तो प्लस करने पे, माइनस तो माइनस करने पे ये ऐड नंबर आ जाए। जैसा कि हमने फैक्टर किए फोर के, तो टू इंटू टू, देखो टू टू मल्टीप्लाई करने पे तो फोर आ रहा है, लेकिन अगर टू और टू को ऐड करें तो कितना आ रहा है, तो अभी फोर आ रहा है, मतलब ये नंबर बीच का नंबर आ रहा है आपका, तो बस ये फैक्टर इसके हो जाएंगे। तो आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर। अब देखो इन दोनों में कॉमन लोगे, तो यहाँ पे कौन कॉमन है, x, तो यहाँ पे बचा ये x प्लस टू, यहाँ कौन कॉमन है, 2, तो ये x प्लस टू बचा। अब देखो पूरे में अगर आप कॉमन देखें तो क्या कॉमन है, x प्लस टू, और यहाँ पे क्या बचता है, x प्लस टू। कौन से क्लास का पार्ट है भाई, एट्थ क्लास का पार्ट है, एट्थ पढ़ रहे हो अपना इंथ में आने के बाद भी, तो छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं ये, तो इनको ध्यान रखा करें। अब देखो नेक्स्ट, अब हम चलने वाले हैं जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन होता है, हमने बेसिक बता दिया आपको। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, सर आपने कहा एट, एट के फैक्टर करें, चलो साहब एट के फैक्टर करते हैं, टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर, और टू वन ज़ा टू। अब सर इन्हें ऐड भी कर दें तो भी हमारा जो नंबर है वो नहीं बन रहा बीच का, बीच में फोर्टीन, ऐड भी करें कुछ भी करें, या फोर इंटू टू कर लें, या कुछ एट वन इंटू वन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एट बन रहा है, तो सर इसको कैसे करें फिर भाई। यहाँ पे हम कर रहे हैं गलती एक, क्या गलती कि पहले जो भी यहाँ पे कोफिशियंट रखा होगा x के साथ, पहले वो इस नंबर में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, वो इस नंबर में मल्टीप्लाई करेगा, तब इसके फैक्टर करके देख लेंगे, हमने वहाँ बताया था ना। लेकिन अगर देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर था, यहाँ पे इसके वेरिएबल में कोई नंबर नहीं था, वेरिएबल इसका कोफिशियंट क्या था, वन था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर वन ज़ा फोर, फोर रह गया। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट में कोई दूसरी वैल्यू दी है, तो आप इस केस में क्या करोगे, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 83 इक्वल टू 24। हाँ, अब 24 के ऐसे फैक्टर करो कि उसके फैक्टर्स का अगर आप सम करें तो कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो देखो 24 के फैक्टर करें, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 थ्री ज़ा 6, और 3 वन ज़ा 3। अब इसके फैक्टर इस तरह से करने, तो देखो ठीक है करते हैं। अब देखो अगर हम ध्यान दें, हमारा पहले ही फैक्टर करने पे, पहले ही फैक्टर में यानी कि 12 इंटू टू, तो 12 इंटू टू कितना होता है, 24, और 12 प्लस टू कितना होता है, 14, जो हमारा फैक्टर था पहले ही फैक्टर करने पे हमें इजीली ऊपर मिल चुका था। अब देखो इसको करेंगे कैसे, 3x स्क्वायर, अब देखो अब 3x स्क्वायर प्लस, अब देखो 14 को कैसे लिखेंगे, 12x प्लस 2x प्लस 8। देखो बस हमने क्या किया, 14 को के टुकड़े किए। अब देखो सर आप टुकड़े तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, हाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको डायरेक्ट, अब क्या पता हम डायरेक्टली 10x प्लस 4x लिख देते, तो ये तो हमारा गलत हो जाता। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें किस फैक्टर करने, तो क्या फैक्टर्स करने, इसलिए इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इस प्रोसेस में एक आध क्वेश्चन में आपको परेशानी आएगी, फिर आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे, ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में इसको से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या करना है आपको, दो दो टर्म्स के पेयर बना लें, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब दोनों में क्या करो,
यहाँ पे क्या कॉमन है, थ्री एक्स। देखो थ्री दोनों में कॉमन, थ्री कैसे कॉमन है सर, यहाँ एक्स तो सर कॉमन दिख रहा है लेकिन थ्री तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ थ्री नहीं है। तो लेकिन अगर आप 12 के फैक्टर करो, 12 के टेबल में कौन आता है, थ्री आता है, इसलिए थ्री भी कॉमन है। तो जब थ्री कॉमन लेंगे तो थ्री एक्स, तो कितना बचा, एक्स प्लस और थ्री फोर ज़ा 12। अब सेम चीज़ इसी तरह से यहाँ पे कौन कॉमन है, टू, तो एक्स प्लस फोर। अब देखो एक्स प्लस फोर यहाँ पे भी है और एक्स प्लस फोर यहाँ पर भी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस फोर को पूरे से कॉमन ले लोगे और यहाँ क्या बचेगा, थ्री एक्स प्लस टू। तो ये होगा इसके फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर हो गए कुछ, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आ गए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा अभी एक क्वेश्चन हो रहा है सर फैक्टराइज वाला, हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है तीन पावर वाला। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी देखते हैं। अब चलो तीन पावर वाले कैसे सॉल्व करेंगे, तो तीन पावर वाले भी सॉल्व करके दिखाते हैं उसमें उनको कैसे करना है। फाइव क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फाइव बोल रहा है आपसे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये आपको दिया है सर। यहाँ तो ऑलरेडी चार टर्म है, तो इस क्या इसके चार टर्म के फैक्टर्स कर लें, इसको दो दो पेयर बना लें। हाँ दो दो पेयर बना के देख लो, अगर इजीली बन जाए तो अच्छी बात है। देखो अब इस केस में आप देखेंगे क्या दो दो पेयर बनाने पे हो पा रहा है हमारा सॉल्व, क्योंकि यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हो पा रहा है सर एक्स माइनस टू। और लेकिन यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको माइनस वन कॉमन लेना पड़ेगा, और जब माइनस वन कॉमन लोगे तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। देखो x माइनस का तो प्लस हो गया और 2 प्लस का तो ये माइनस हो गया। x माइनस टू यहाँ पर भी है पर x माइनस टू यहाँ पे भी है, x माइनस टू आपने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे कौन बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर हमने फॉर्मूला पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे ए ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेकिन सर यहाँ तो x पे तो पावर है लेकिन 1 पे तो कोई पावर नहीं है, लेकिन हमें पता है 1 पे पावर कुछ भी लगा लो 1 हमेशा 1 ही रहता है, तो इसलिए x माइनस टू और x प्लस वन और x माइनस वन, यही क्या होगा इसके फैक्टर होगा, ठीक है। तो क्यूब वाले भी हो गए। देखो एक तरीका इसका ये भी था, वो क्वेश्चन आपका शायद इस क्लास में ना हो, आगे क्लासेज में हो, तो दूसरा मेथड क्या ही हो सकता है इसका, ये तो सबसे ज़्यादा आसान मेथड था और ये क्वेश्चन हो भी गया इजीली, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके ना हो। तो अब क्या करोगे, आप इसमें इसको पी एक्स के इक्वल लिखोगे, कैसा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब आप क्या करो, एक्स की जगह वन पुट करके देखो, एक्स इक्वल टू वन पुट करके देखो। जब आप एक्स इक्वल टू वन पुट करके देखेंगे तो देखो क्या ये जीरो हो जा रहा है, तो वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू, तो सर ये तो ज़ीरो हो गया। हाँ अगर ज़ीरो हो गया इसका मतलब जो है x माइनस वन क्या बन गया, फैक्टर बन गया, किसका, पी एक्स का। तो अब क्या कर लो, x माइनस वन से इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो डिवाइड करेंगे, अभी डिवाइड ये वाला डिवीज़न कैसे होता है, चलो अभी हाथ और बता ही देते हैं डिवीज़न कैसे होता है। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, वन, ये x की पावर कितनी है, थ्री, तो आपको कितनी पावर हो चाहिए, टू पावर हो चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, एक्स की पावर टू से मल्टीप्लाई करो, तो अब ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की पावर टू और एक्स की पावर वन, एक्स की पावर थ्री, और जब इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, इसमें साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन, जो कि आप इजी नॉर्मल डिवीज़न में भी सब्ट्रैक्शन ही करते हो, तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन ही हमने किया, इससे ही कटा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स। अब देखो अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे पावर टू यहाँ पे पावर वन, लेकिन ये माइनस का, तो इसलिए आप क्या करोगे, माइनस एक्स। अब ये एक्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का एक्स, तो क्या हो गया, अब देखो माइनस माइनस प्लस का एक्स। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, अब ये तो साइन सेम बन रहा है, तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज होंगे, तो ये जो माइनस का है वो प्लस हो गया और जो प्लस का है वो माइनस हो गया, इससे ही कटा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2x और ये क्या बचा, प्लस का 2। तो सर आप क्या करें, आप देखो आप सीधा सीधा अगर हम माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो माइनस का
टू एक्स और माइनस माइनस प्लस का टू, देखो साइन चेंज होंगे, जो माइनस में था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, पूरा पूरा कट के क्या आ गया, जीरो आ गया। अब आपके पास ये नंबर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर लो, जैसे मैंने आपको बताया था वो इसके फैक्टर आएंगे एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, ठीक है। और तो टोटल फैक्टर्स क्या होगा इसके, टोटल फैक्टर होगा एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। देखो यहाँ से इस तरीके से करो या ऐसे करो, दोनों तरफ से आंसर आपका आ गया। तो पहले कोशिश करना कि ये डायरेक्टली हो पा रहा है या नहीं, अगर डायरेक्टली ना हो पाए तब इसको फॉलो करना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में इसी को ज़्यादा फॉलो करना, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको दे दो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्यों होती है, सात आठ आइडेंटिटी मिलेंगे आपको। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटी, तो सारी की सारी आइडेंटिटी मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ, उस तरीके के अकॉर्डिंग आंसर करनी है आपको। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटी, फर्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इट्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। दूसरी है सेकेंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या रहेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और थर्ड जो हम बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। और फोर्थ देखें, फोर्थ क्या रहेगी, तो ए ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, और इसमें फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी क्या बोलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी होगी। अब देखो फिफ्थ आइडेंटिटी जो बुक के अकॉर्डिंग है, बुक के अकॉर्डिंग फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बनेगी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सब पहला तो बिल्कुल सीधा सीधा इसकी तरह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन आगे के टर्म में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस टू ए बी था तो यहाँ पे भी लगेगा प्लस टू। अब लेकिन यहाँ एक्स वाई नहीं हो गए, तो पहले एक्स वाई प्लस अब पूरे ब्रैकेट वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो दो दो का पेयर बनेगा, पहले एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे फिर वाई जेड मल्टीप्लाई करेंगे फिर जेड एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फिफ्थ, इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है सिक्स आइडेंटिटी, बुक के अकॉर्डिंग आपकी आइडेंटिटी नंबर सिक्स एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये क्या रहेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स वाई। ये देखो ये तो बिल्कुल इसकी तरह से ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब वाई स्क्वायर, तो एक्स क्यूब टू ए बी, यहाँ पे थ्री एक्स, बस एक इसमें छोटा काम है एक्स्ट्रा हो जाता है कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी आपस में मल्टीप्लाई करें। तो अब देखो सिक्स आइडेंटिटी तो ये हो गई, सेवन्थ आइडेंटिटी अब आप देखें, सेवन्थ आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस। अब देखो क्या यहाँ पे प्लस आएगा, नहीं यहाँ प्लस नहीं रहेगा, क्या करेगा माइनस थ्री एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, सेवेंथ आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट आपकी है एट्थ आइडेंटिटी जो बुक के अकॉर्डिंग दे रखी है,
आपकी बुक में 8 आइडेंटिटी दी है, अब 8 आइडेंटिटी उसमें बोलता है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 × XYZ ये इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब देखो जैसे यहाँ पर 2XY था तो यहाँ पे क्या चलेगा XY YZ प्लस ZX, ठीक है। अब इस पर कंडीशन बनती है, कंडीशन क्या है सर, इस पर कंडीशन ये है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, सॉरी ये माइनस रहेगा, यहाँ माइनस होता है -3XYZ, तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है 3XYZ के, ये हमेशा ये कंडीशन बनेगी अगर इसके साथ ये केस बन रहा है तो, ठीक है, इस हमेशा कंडीशन रहेगी। अब देखो ये आपकी बुक में आइडेंटिटी तो नहीं दी लेकिन वो क्वेश्चन के तरीके से दिया, लेकिन वह भी आइडेंटिटी होती है 9th। अब ये एक ये आइडेंटिटी क्या है सर, ये आइडेंटिटी है कि जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे यहाँ था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ पर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आइडेंटिटी बनती है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या रहेगा प्लस ए बी। अब देखो यहाँ तो प्लस था तो यहाँ प्लस ना होके यहाँ पर क्या बनेगा माइनस, तो ये याद रखिएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अगर हम 10th आइडेंटिटी नेक्स्ट में देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा ए माइनस बी, देखो जैसे यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, पहले ब्रैकेट तो क्लियर कट है। अब यहाँ पर देखो अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस है और सेकेंड वाले में यहाँ माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है प्लस बन जा रहा है, ठीक है। मैंने सारे आइडेंटिटी का लिंक करा दिया एक दूसरे से, तो आई थिंक पूरा क्लियर हो गए सारी आइडेंटिटीज़। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले वैसे इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई नोट करना चाहता है तो पीछे वीडियो में जाकर स्क्रीनशॉट ले ले उसका। वैसे सारी की सारी आइडेंटिटीज़ आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का कि एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10 इसको सॉल्व करना। तो देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या कि x प्लस ए और x प्लस बी किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो इसी तरीके से आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स और प्लस 4 इंटू 10 तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40 ये बन गया इसका आंसर, ठीक है क्लियर। अब देखो थर्ड सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि सर क्या आपको मल्टीप्लाई करना है 103 × 107। अब भाई इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, कभी पता चली एग्जाम में बैठे अरे सर 30 3 × दे दी, तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर दो और आंसर दे दो, इससे आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा गलत। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन ने बोला भाई इवोल्यूट तो करो प्रोडक्ट को लेकिन विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब सर मल्टीप्लाई डायरेक्टली ना करें तो क्या करें फिर, हमने तो बचपन में यही पढ़ा है क्या कि ट्रिपल मल्टीप्लीकेशन होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। देखो इसको क्या करेंगे, अभी हमने क्या चीज़ पढ़ी आइडेंटिटी, तो इसको क्या करो आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाओ। अब आइडेंटिटी फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं, देखो इसको लिखेंगे 100 + 3 और इसको लिखेंगे 100 + 7, कैसे लिख सकते हैं हम बीच में तो हमारा मल्टीप्लाई, तो छुट्टू सा मल्टीप्लाई लगा दिया, कैसा बना देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अब देखो अब अगर आप ध्यान दो कौन सी आइडेंटिटी बन रही, सर ये तो ये वाली आइडेंटिटी बन रही आइडेंटिटी नंबर 4। तो इस आइडेंटिटी जब ये बन रहा है तो देखो
पहले x की जगह कौन है, यहाँ 100 है, a की जगह कौन है 3, यहाँ पे x की जगह 100, b की जगह 7, तो आइडेंटिटी का यूज़ कर दो। तो पहले टर्म पे का होल स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो दोनों टर्म का सम तो 3 प्लस 7, और जो फर्स्ट टर्म है वो मल्टीप्लाई कर रही है तो मल्टीप्लाई करा दो 100 से, और फिर आपस में दोनों टर्म का मल्टीप्लाई 3 × 7, तो देखो 100 का स्क्वायर यानी कि बन गया आपका 10,000 प्लस 3 + 10, और जब 10 मल्टीप्लाई करेगा 100 से तो ये भी बन गया 1000, और प्लस 21, देखो सबको सम करोगे 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1, तो कितना हो गया, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, तो कितना हो गया 11,021 इसका। अब देखो ये ज़्यादा आसान है या ये पूरा मल्टीप्लाई करना, फिर इसको मल्टीप्लाई करो सब, पहला मल्टीप्लाई, सेकंड मल्टीप्लाई, थर्ड मल्टीप्लाई, फिर बाद में जाएगा सबको ऐड करो, कितना मुश्किल होता है ये आपको डायरेक्टली, अगर आपको आइडेंटिटी आ जाए तो डायरेक्टली इतना इजीली इसको आइडेंटिटी को आप कर सकते हो। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं डायरेक्टली उनका यूज़ है तो आप उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अब देखो मैं आपसे आपको कुछ करा देता हूँ, फैक्टराइज करा देता हूँ। देखो नेक्स्ट है आइडेंटिटी, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है 3, देखो सॉरी आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सर क्या करो उसको फैक्टराइज करो, 9x² है प्लस 6xy प्लस y², इसको क्या करो फैक्टराइज करो। देखो इसका फैक्टराइज तो करना है लेकिन आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब सर आइडेंटिटी कैसे यूज़ करें, तो देखो अगर आप ध्यान दो 9 क्या है, 9 खुद 3 का एक्स स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिख दोगे 3x × अब देखो अगर y पे गौर करो, और आपने आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्या कि सर a² + b² या ऐसे करके बीच लिख लो, चलो a² + 2ab + b², तो बीच की टर्म को क्या बनाना है, देखो पहली टर्म क्या हो गई a, और a क्या है 3x, तो 2 × 3x × अब सेकेंड टर्म क्या है b, तो ये y, और प्लस का y², तो क्या बना ये आइडेंटिटी बनी 3x + y² बस ये इसके फैक्टराइजेशन है, ठीक है, इसके फैक्टर भी आसानी से हो गए। चलो सर अब देखते हैं क्वेश्चन फोर भी ठीक है, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो आइडेंटिटी थी आपकी आइडेंटिटी नंबर 5th डायरेक्टली उसके बेस पे कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं फैक्टराइज वाला, क्वेश्चन 5th बोल रहा है फैक्टराइज करना है आपको फर्स्ट को, तो क्या 4x² + 9y² + 16z² प्लस 12xy माइनस के 24 वाई जेड और माइनस 16xz ये आपको दिया है। अब देखो ये कौन सा वाला नंबर बन रहा है, सर देखने में तो ये लग रहा है जो हमारा आइडेंटिटी 5th थी, तो 5th आइडेंटिटी क्या थी, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, 5th आइडेंटिटी थी कि x + y + z का होल स्क्वायर इट्स इक्वल टू होगा x² + y² + z² + 2x 2yz 2zx, ये आइडेंटिटी थी 5th वाली। अब जब 5th आइडेंटिटी हमारे पास ये दे रखी है तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, अब देखो 5th आइडेंटिटी तो पहचान करो इस तरीके से, ये सारे के सारे ये दिए हैं इसके, तो इसको देखो पहला x² और यहाँ पे कौन है, देखो 4 किसका स्क्वायर है 2, तो ये हो गया 2x² + 3y² + और 16 किसका स्क्वायर है z का, तो 4z। और अगर आप गौर करो पहला टर्म देखो, अब यहाँ तो हमने ए प्लस प्लस लगा दिया लेकिन यहाँ पे सर कुछ जगह माइनस भी, तो वो चेक करेंगे वो माइनस कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो देखो आप देखें कि 2, तो पहला तो 2 लिख दिया आपने, अब क्या बचा इसमें से, एक्स वाई है,
तो देखो दो यहाँ पे टर्म क्या है, पूरे का पूरा प्लस है, मतलब पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों के दोनों प्लस है। तो 12 को अगर लिखोगे तो 2x इंटू 3y, देखो मल्टीप्लाई करो तो 12x बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। देखो 3 2 6, 6 2 12, ये भी 12 दे रखा है। अब आते हैं माइनस, देखो सर ये भी यहाँ प्लस था, तो मतलब दोनों जब प्लस, या तो दोनों के दोनों माइनस हो या दोनों के दोनों प्लस हो, तभी प्लस आएगा, तो हम मान के चल रहे हैं दोनों के दोनों क्या है, प्लस है। अब देखो सर यहाँ आया माइनस, तो अभी हमें क्या लिखना है, हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको प्लस ही लिखना है। फिर क्या करना है, 24 वाई वाला टर्म मल्टीप्लाई कर, तो वाई की जगह कौन है, 3y। अब देखो फिर 3y, 3y से कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 4z, 3y से कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 4z। अब लेकिन ये देखना है, एक तो माइनस होगा सर, दो वाई तो क्लियर 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 प्लस, तो कौन माइनस है यहाँ पे, वाई माइनस है, मतलब 4y माइनस है, तो यहाँ लगा दो 4z क्या है, माइनस। और यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4z का माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखो फिर नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट देखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स जेड या जेड एक्स, तो जेड कितना है, तो जेड है माइनस का 4z और एक्स क्या है 2x। तो ये देखो फैक्टर, ये फैक्टर इस क्वेश्चन के बन गए, तो जब इसके पूरा फैक्टर बन गए, तो आप किस पे फोकस करोगे, बस इन तीन टर्म पर फोकस करो, और इन तीन टर्म पर फोकस करते हुए तो क्या बना, 2x प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी एक्सपेंड करने के लिए बोला, तो उसको भी फॉर्मूले पर डायरेक्ट वैल्यू रख के उसको इजीली एक्सपेंड कर दोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, उसको इवोल्यूट करा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखो जैसे कि आप जानते हो कि हम क्या कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, तो वन शॉट वीडियो बनाने की वजह से हम जो डायरेक्टली क्वेश्चन हैं, जो फॉर्मूले के पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते हो, उनको नहीं कर रहे, ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है इवोल्यूट द फॉलोइंग सिटेबल, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, सेवन का सेकेंड पार्ट, और वो बोल रहा है 102 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब। अब देखो 102 का होल क्यूब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर देखो वो इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है क्या, 102 मल्टीप्लाई करा तीन बार, तो तीन बार मल्टीप्लाई करा देंगे तीनों का, और ये हो जाएगा सवाल आपका फिर क्या, गलत। इसको हमें इस तरीके से नहीं करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे क्या, आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। देखो अगर आप ध्यान दो इसको, तो आप लिख सकते हो 100 प्लस 2, 102 को लिख सकते हैं, और टोटल पावर कितना है 3, तो इसे देख के कुछ कुछ याद आ रहा है, तो हाँ सर एक आइडेंटिटी बन रही थी, वो क्या आइडेंटिटी थी कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमारी बन रही थी, तो सर इसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे कितना 100 प्लस 2 का होल क्यूब, तो देखो पहले टर्म 100 का होल क्यूब प्लस बी की जगह कौन है 2, तो 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू फिर दोनों का सम 100 प्लस 2, देखो 100 की पावर 3 यानी कि कितने बन जाएंगे 6 जीरोज बन गए, प्लस 2 की पावर 3 8। अब देखो ये मल्टीप्लाई करेगा 3 2 600 और मल्टीप्लाइड बाई 102, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तो कितना हो गया, इसको आप लिख दो 8, आप लिख देखो 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा 6 2 12 1, 0 6 0 0 तो 1 बन गया, 6 1 6 ओ क्या 20 बाद में थे तो 20 यहाँ एज इट इज लिख दोगे। अब देखो सबका सम कर दें तो 8 0 8 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 6 6, ठीक है कितनी टर्म का 2 4 5 2 4 5, यहाँ पर बचा 10, तो ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या बोल रहा है सर, उसको फैक्टराइज करना है,
तो देखो उसका भी फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 8 और वो इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फैक्टराइजेशन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद इस चैप्टर का एंड करते हैं, ठीक है। 8 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। देखो अब अगर हम अपनी इसी आइडेंटिटी पर फोकस करें, इस आइडेंटिटी को, तो हम लिख सकते हैं सेम आइडेंटिटी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखो सर ये भी तो अंदर मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं इससे, तो मल्टीप्लाई करा दो 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, और इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले क्या देखो, 2 ए का होल क्यूब बन गया प्लस बी का होल क्यूब तो एज इट इज है। अब फॉर्मूले को देखो, पहले क्या 3, तो आप लगा प्लस 3 ए, फिर क्या है ए का स्क्वायर, तो देखो क्या ए का स्क्वायर 2a, तो 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है b, और मल्टीप्लाई करा दो b से, तो देखो 3 4 12 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म बन गई प्लस। अब देखो फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म पर ध्यान दें 3, ठीक है सर 3 लिखा, फिर क्या था 2a सेकेंड टर्म a और फिर बी स्क्वायर, तो क्या होएगा, तो देखो 6, तो 3 2 6 ए बी स्क्वायर, ये टर्म बन गई। तो आप गौर करें कि आप किसकी जगह बन रहा है ये, तो ये एक्सपेंड, तो देखो बस आपको किस पे फोकस करना है, इन दो टर्म पे फोकस करना है, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे बन जाएगा ये 2a प्लस बी का होल क्यूब, बस ये बन गया आपका आंसर। तो इसी क्वेश्चन को आपका थैंक यू करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को एंड अब इसलिए करना है कि हमें वन शॉट वीडियो बना रहे थे, तो वन शॉट के अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होगा, पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जय हिंद।